टोर्नाडो वर्सेस हरिकेन। हरिकेन्स और टोर्नाडोज बहुत मायनों में एक जैसे हैं। दोनों शक्तिशाली हवाओं को जन्म देते हैं, पर हरिकेन्स और टोर्नाडोज कई चीजों में डिफरेंट भी हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोर्नाडो एंड हरिकेन, आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। डिफरेंस इन साइज। हरिकेन्स का डायमीटर या कहे व्यास टिपिकली सैकड़ों किलोमीटर्स होता है, जिसके साथ बहुत हाई स्पीड विंड्स और हैवी रेन्स उस पूरे रीजन के ऊपर होती हैं। 2012 में आए हरिकेन सैंडी का डायमीटर 1600 किलोमीटर से ज्यादा था। इसने 70 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान किया और 175 लोगों की जान ले ली। अब टोर्नेडोज की बात करें तो वो टिपिकली कुछ 100 फीट से ज्यादा वाइड नहीं होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रेयर टोर्नेडोज आते हैं जिनका डायमीटर 3 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। फॉर्मेशन। हरिकेन्स जमीन से दूर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के ऊपर फॉर्म होते हैं। उनका एनर्जी सोर्स वार्म ओशन वाटर्स होते हैं। एक हरिकेन टिपिकली ओशन के ऊपर लो प्रेशर एयर की एक वेव की तरह शुरू होता है। इसके बाद ये अपने अंदर वार्म एयर और वाटर वेपर को खींचता जाता है, जिससे इसका साइज बढ़ता है। इससे थंडर क्लाउड्स बनते हैं जो फिर अर्थ की रोटेशन के कारण रोटेट करने लगते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हरिकेन्स काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। साथ ही हरिकेन्स को एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में टाइफूंस बोला जाता है, और इन्हें साइक्लोन्स कहा जाता है इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलियन रीजन में। अब अगर टोर्नेडोस की बात करें तो ये जमीन के ऊपर फॉर्म होते हैं एक स्पेशल टाइप के तूफान के दौरान, जिसका नाम होता है सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स, जो कि तेजी से हवा को ऊपर उठाती हैं। कुछ कंडीशंस में ये ऊपर खींची हुई हवा एक रैपिडली घूमता हुआ फनल क्लाउड बना देती है, जिससे निकलता है एक टोर्नेडो। कभी कभी पानी के ऊपर भी टोर्नेडोज बन जाते हैं, जिनको वाटर स्पाउट्स बोला जाता है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको कभी हरिकेन या टोर्नेडो का एक्सपीरियंस हुआ है। अब बात करते हैं विंड स्पीड की। हरिकेन्स को एक 5-पॉइंट स्केल पर रेट किया जाता है, जिसका नाम है सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। इसमें 5 अलग कैटेगरी वाले हरिकेन्स होते हैं। कैटेगरी 1 हरिकेन्स 119 टू 153 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड्स बनाते हैं। कैटेगरी 2 वाले 154 से 177 किलोमीटर पर आवर की विंड्स बनाते हैं। कैटेगरी 3 हरिकेन्स 178 से 207 किलोमीटर की विंड स्पीड्स बनाते हैं। कैटेगरी 4 हरिकेन्स 208 से 251 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स बनाते हैं। सबसे डेंजरस कैटेगरी 5 हरिकेन्स 252 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से विंड्स क्रिएट कर देते हैं, जिससे हिट होने वाले रीजन में भयंकर तबाही होती है। टोर्नेडो की बात करें तो उनकी रेटिंग एक 6-पॉइंट स्केल पर होती है, जिसका नाम है एनहांस्ड फुजिटा स्केल। इसमें EF0 टोर्नेडोस 104 से 137 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड बनाते हैं। EF1 टोर्नेडोस 138 से 177 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड बनाते हैं। EF2 टोर्नेडोस 178 से 217 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड बनाते हैं। EF3 टोर्नेडोस 218 से 265 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड बनाते हैं। फिर आता है EF4 टोर्नेडो, जो इसकी स्पीड होती है 266 से 321 किलोमीटर पर आवर की। सबसे डेंजरस EF5 टोर्नेडोस 322 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की विंड स्पीड से क्रिएट कर देते हैं, जिससे इसके इम्पैक्ट वाले रीजन में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। ड्यूरेशन। फाइनली अगर ड्यूरेशन की बात करें तो हरिकेन्स कई दिन से लेकर कई हफ्तों तक लास्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितनी वार्म एयर और वाटर वेपर की सप्लाई मिल रही है। अब अगर टोर्नेडोस की बात करें तो ये यूजुअली मैक्सिमम 10 मिनट तक ही लास्ट करते हैं। ये तो हुई डिफरेंस बिटवीन टोर्नेडो एंड हरिकेन्स। लेकिन दुनिया में और भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपकी लेफ्ट साइड वाली लिंक से। हमारे चैनल का रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाली लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोज में।